हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इडली बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे आप एक एक कप अगर जिस भी बर्तन से आप मेजरमेंट करें उसी से आपको सारी चीज़ें लेनी है। जैसे मैं ये कटोरी से मैं ले रही हूँ एक कटोरी उड़द दाल हम लेंगे तो इसका 3 गुना हमें चावल चाहिए। तो देखिए, मैं 3 कटोरी मैंने चावल ले लिया है और 1 स्पून मैंने ये मेथी दाना ले लिया। मेथी दाना इडली में डालने से इडली सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसको बड़े बर्तन में थोड़ा भिगोएंगे, क्योंकि छोटा बर्तन में करेंगे तो अच्छे से फैलेगा नहीं, तो इसीलिए हमें इसको बड़े बर्तन में कम से कम 8 से 10 घंटा के लिए भिगो के रखना। अगर आप रात भर भिगो के रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, हमें कितना पानी चाहिए हम ऐड करते हैं और आपको बताते हैं। मेथी दाना में हम थोड़ा पानी मिला देंगे। इसको भी 8 घंटे कम से कम रखनी है, इसको भी कर देते हैं। अब हम अपना ये उड़द दाल जो हमारा है इसमें इसको डाल देंगे। फ्रेंड, इसको डाल के कम से कम इससे पहले आपको पानी मिले कि अच्छे से धोना। देखिए, ये व्हाइट व्हाइट ये हो रहा है ना, जब तक पानी साफ ना दिखने लगे तब तक हम इसको अच्छे से धोना है। 2-3 पानी से कम हम धो के आते हैं। देखिए, हमने उड़द दाल अच्छे से धो लिया, देखिए एकदम फ्रेश हो गया। ऐसे ही करके इसको 8 घंटे तक कम से कम भिगोना है। इसी तरह हम अपना चावल भी अच्छे से साफ कर लेते हैं कि चावल को भी आप अच्छे से अपना चावल डाल दे किसी भी बड़े बर्तन में। चावल अच्छे से डाल दे इसको। जैसे आपको इडली बनाना है ना, आप मार्केट में अगर जाएंगे बोलने के लिए राइस चावल चाहिए तो उसके लिए भी आती है। ये मेरे घर में जो रेगुलर चावल है, ऐसे भी चावल थोड़ा मोटा टाइप का और छोटा वाला यूज करेंगे तो इसकी इडली अच्छी बनती है। देखिए, हमने अपना चावल अच्छे से वॉश कर दिया है, कम से कम इसको 8 घंटे तक भिगो के रखना है। भिगो के अच्छे से रख लिए। और फ्रेंड, मेथी दाना हमें डालना ज़रूरी होता है। मेथी दाना से हमारे इडली का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने मतलब जब भी बनाएं तो मेथी दाना को ज़रूर ऐड करें। ये 2-3 गिलास, उसके बाद से हम पानी का ध्यान हमें घोल बनाते टाइम देना है। तो चलिए, अभी इसको हम 8 से 10 घंटे के लिए हम सारी चीज़ों को भिगो के रख देते हैं। उसके बाद से हम पीसेंगे, उस टाइम जब इसको ग्राइंड करेंगे तो हमें पानी का ध्यान देना है। उस समय मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमें किस हिसाब से डालना है। हमारा ये चावल अच्छे से फूल गया है 8 घंटे बाद, और ये देखिए हमारा दाल भी अच्छे से फूल गया है एकदम, देखिए ऐसे, और मेथी भी। इसको मैंने अच्छे से 2-3 वॉश पानी से फिर से जो मैंने पानी था पहले वाला पानी बदल दिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। हम अपना घोल बनाएंगे। घोल कैसे पीसते हैं इसके लिए ना, जिस कटोरी से हमने सारी चीज़ें ली थी। तो चलिए, हम पीसना स्टार्ट करते हैं। हम दाल और ये मेथी को एक में ही मिला लेंगे और फिर से इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये फ्रेंड, ये दाल है जो उड़द दाल, इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए। जितना पतला आप अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा अच्छे से इसका पेस्ट बनाएं। तो चलिए, हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा एकदम फाइन पेस्ट एकदम अच्छे से पिसा गया। इसमें थोड़ा भी ये नहीं होना चाहिए। आपको पेस्ट बनाना है तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट पेस्ट बनाना है दाल का। तो ठीक है, हमारा दाल हो गया। हम चावल का पेस्ट बनाएंगे। हम जिसमें हम दाल अपना ग्राइंड किए थे ना, उसी जार में हमने चावल डाल दिया। देखिए, ये 1 कटोरी पानी डालेंगे, इसमें ही हमारा चावल अच्छे से ग्राइंड अच्छे से चावल हमारा पेस्ट बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा और आधा कटोरी हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी 2 गिलास ही हमने मतलब 1 कटोरी इसमें यूज किया, 1 कटोरी दाल में। देखिए, हमारा घोल तैयार है। अगर चावल का जो आप पेस्ट करें ना, तो चावल को थोड़ा सा दरदरा ही रहने दे। चावल का पेस्ट फाइन पेस्ट नहीं करना है आपको। दाल है उड़द दाल, उसको जितना अच्छे से फाइन पेस्ट कर सकते हैं उतना अच्छे से उसको पेस्ट करिए। और दाल और चावल का पेस्ट हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। या फिर हम मिक्स कर दिए। फ्रेंड, इसको जब भी इसको फेंटना है आपको, मिलाना है ना घोल को, तो एक ही डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मिला, क्योंकि इसमें फूल जाता है घोल अच्छे से। जैसे इसको 8 से 10 घंटा कम से कम 8 से 10 घंटा लगता है। अगर ठंडा में है ना, ठंडी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर जैसे आपको जल्दी फॉर्मेट करना है, तो अगर धूप है तो आप धूप में ही ढक कर रख सकते हैं। चाहे घर में कोई भी कोना, जो डार्क कोना हो, जहाँ पे ज़्यादा मतलब लाइट ना हो, वहाँ पे रखेंगे तो ये और भी अच्छे से हमारा घोल फूलेगा। और फ्रेंड, ये कोशिश करिए कि जब भी आप इस घोल को रखें तो थोड़ा बड़ा बर्तन में ही रखें, ताकि इसको और स्पेस मिले ज़्यादा और ये अच्छे से घोल फूले हमारा। तो देखिए, ये इसका रनिंग ऐसा होना चाहिए, जैसे इतना देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए।
जैसे पेस्ट का होता है ना, अच्छा आपको पेस्ट बना लेना है। और हम इसको अब और फिर इसको 8 से 10 घंटे हम रखेंगे। कोई कोई जो भी कोई कभी कभी कोई नमक भी ज़्यादा पहले मिला लेते हैं, हम अभी नमक पहले नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम जब बनाएंगे ये घोल ज़्यादा है, जब बनाएंगे उस हिसाब से ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, तो हम अपना घोल अभी देखते हैं हमारा घोल अच्छे से हुआ कि नहीं। पहले हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। इसे पानी में ये नींबू डाल दीजिए। नींबू डालने से क्या होता है ना, बर्तन काला नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम नींबू डाल देंगे। और हमारा घोल जब तक पानी हमारा गर्म होता है इसको ढक देंगे, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो चलिए हम आपको पहले हम चलिए अभी देख लेते, इसको ढक देते हैं, हम इडली का बैटर को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा घोल, देखिए हमारा इडली का घोल तैयार है। देखिए इसमें छोटे छोटे जैसे बबल जैसा आपको दिखेगा, इसका मतलब ये अच्छे से घोल हमारा तैयार है। तो चलिए हम इसमें पहले हम अपना हिसाब से जितना आपको बनाना है उसको साइड रख कर दीजिए, अगर ज़्यादा घोल है तो उसको रख दीजिए। हमने जितना बनाना है उसको हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम अपने हिसाब से नमक मिलाएंगे। हम कम से कम 1 चम्मच के आसपास नमक मिलाएंगे, मैं अंदाज से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इससे हमारी इडली अच्छे से फूलेगी। तो चलिए हो गया, हम पानी हमारा गर्म होता है तो हम बनाना शुरू करते हैं। हम इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे चारों तरफ तेल लगा देंगे तो जिससे हमारी इडली है ना चिपकेगी नहीं और अच्छे से बाहर आ जाएगी। चलिए हम इडली का घोल अब डालेंगे। थोड़ा आपको कम भरना है, ज़्यादा भर भर के नहीं डालना क्योंकि वो फूलता भी है। इस हिसाब से हम डाल देंगे। हमने डाल लिया थोड़ा सा, इसको ऐसे ऐसे इक्वली ऐसे नीचे से कर देना ताकि एकदम इक्वली हो जाए। अब हम देखते हैं हमारा पानी गर्म हुआ कि नहीं। देखिए हमारा पानी अच्छे से खोल गया है, तब हम अपना इडली को डालेंगे। अब इसको अच्छे से ढक देंगे, इसको कवर कर दीजिए। अब कवर करके कम से कम ये 5 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। इडली अच्छे से तैयार है, हमारी इडली अच्छे से तैयार है। अब एक बार इसको फ्लेम बंद करने से पहले 10 से 12 मिनट इसमें लगा है, एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिए। किसी भी चीज़ से अगर करेंगे, अगर इसके ये एकदम बाहर आता है इसका मतलब आप देखिए, एक बार ये क्लीन पूरा आएगा तो इसका मतलब आपकी हमारी इडली रेडी है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद से हम इसको निकालेंगे। देखिए हमारी, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी निकालने का कोशिश करिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। और अगर नहीं हो रहा तो इसमें थोड़ा सा पानी का छिटा मार दीजिए, फिर उससे आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा सा पहले से ये किया था। देखिए ऐसे हमारी इडली अच्छे से ऐसे थोड़ा सा हाथ से करेंगे, देखिए अच्छे से हमारी सारी इडली निकल जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो एक बार इस तरह से आप बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड अगर ये इतनी इडली की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।